उधर कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर भी लड़ाई जोरदार है और दोनों ही पार्टियों ने यहां ताकत झोंक दी है। एयरपोर्ट से लेकर तमाम स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं और ऐसे में देखना होगा कि जनता जनार्दन को किसने रिझाया है। आजादी के बाद से कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर 16 बार लोकसभा चुनाव हुआ है, 7 बार कांग्रेस और 7 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। एक बार जनसंघ द्वारा समर्थित राम राज्य परिषद और एक बार जनता पार्टी ने जीत हासिल की। इस बार मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी ओम बिड़ला और कांग्रेस प्रत्याशी राम नारायण मीणा के बीच है। 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में बीजेपी के ओम बिड़ला ने कांग्रेस के इज्जराज सिंह को हराया। ओम बिड़ला ने 2,782 वोटों से जीत दर्ज की। 2014 में 66.26% मतदान हुआ था। अब नजर अगर जातिगत समीकरणों पर डालें तो इस सीट पर मीणा मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। यहां करीब 3 लाख मीणा वोटर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।